सहयोग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक बिहार की धरती पर दरिया साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं दरिया साहब, सतगुरु एह प्रसाद तुम्हारा। इस पद में मुक्ति की बात कर रहे हैं, भवसागर पार करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो हमारा पूरा गुरु है, जो हमारा सतगुरु है, उसकी जब कृपा होती है तो कोई मुक्त होता है। मुक्ति एक तरह से सतगुरु का प्रसाद है और ये तब प्राप्त होती है जब हम समर्पित कर देते हैं अपने आप को, अपने अहंकार को विसर्जित कर देते हैं, अपने आप को
प्रेम में पूरी तरह समर्पित कर देते हैं तो सतगुरु हमें मुक्ति का प्रसाद देता है। कहते हैं दरिया साहब, तन मन धन जिन्हें अर्पण किनो, किनको ये प्रसाद मिलता है, किनको ये मुक्ति का वरदान मिलता है, जो अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ, अपना पूरा जीवन जो अर्पित कर देता है सतगुरु को, उसको ये प्रसाद मिलता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, जैसो हरियस होए ताही को ग्रहण कीजिए। हरियस क्या है? हरि का कीर्तन, हरि का सुमिरन, ओंकार का सुमिरन, जैसे भी हो इसको प्राप्त करो सदगुरु से, कि कैसे सुमिरन में रहा जाए, कैसे नाम का सुमिरन किया जाए। और ताही को ग्रहण कीजिए, उसको ग्रहण करो सदगुरु से, तन मन धन सब वार चरण पर तेकरे दीजिए। और जो हरि सुमिरन की कला बताता है, नाम सुमिरन की कला बताता है, जो नाम दान देता है, ऐसे नामदानी संत को अपना सब कुछ, अपना जीवन, तन मन धन सब कुछ अर्पित कर उसका प्रेम, उसकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। कहते हैं दरिया साहब, तन मन धन जिन्ह अर्पण कीन्हो हंस उतारो पारा। फिर हंस कौन है? जो विवेकवान है, अर्थात जो संत है, जो सद्गुरु है, वह फिर भवसागर के पार ले जाता है। और इस बात को ठीक से समझ लो, भवसागर कहीं बाहर जियोग्राफिकल प्लेस नहीं है, कोई भौगोलिक जगह नहीं है, बल्कि हमारे भीतर अंतर जगत है, उसी को भवसागर कहते हैं। क्योंकि मृत्यु के बेला में, ये विचारों के जाल में हम वहीं अटक जाते हैं। हमें जाना है निराकार तक, जाना है अंतर आकाश तक, जहाँ नाद गूंज रहा है, जहाँ नूर जगमगा रहा है। लेकिन वहाँ तभी हम जा सकते हैं जब जीते जी हमने अभ्यास किया है वहाँ जाने का। और यह जो अभ्यास है तभी हम कर सकते हैं जब इसका ज्ञान हो, हमें इसका अनुभव हो, और ये अनुभव तो सद्गुरु ही दे सकता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, भवसागर जल विश्व भरा। ये जो भवसागर का जल है, जो अंतर जगत का जल है, ये विश्व भरा है, ये विषयों से भरा है। यहाँ पर नाना प्रकार की वासनाएं और वासनाओं से संबंधित विचार और तृष्णा, यही सब भरा हुआ है यहाँ पर। और मन नहीं बांधे धीर, इसलिए मन को भरोसा नहीं होता कि भवसागर को मृत्यु की बेला में पार कर पाएगा। शब्द सने ही गुरु मिला, लेकिन जो शब्द को, ओंकार तत्व को, नाम तत्व को प्यार करने वाला सदगुरु जिसको मिल जाए, उतरा पार कबीर। कहते हैं कबीर साहब, वो भवसागर पार कर सकता है। कहते हैं दरिया साहब, दधि सुहारी और घृत मेवा खीर भरो है थार। अंदर की बात कर रहे हैं, निराकार की बात कर रहे हैं, अंतर आकाश की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं वहाँ बड़ा सुंदर भोजन है, आत्मा का भोजन है। जैसे किसी को भोजन कराते हो, मेहमान को कराते हो, तो दही है, पूरी है, घी है, मेवा है और खीर है। ऐसे ही कह रहे हैं जो अंदर में, जो मानसरोवर है या अमरपुर है या बैकुंठ है, अनेक अनेक नामों से संतों ने उसे पुकारा है, वह क्षीर सागर है। वहाँ एक बहुत ही अमृत कह सकते हो, ये ओंकार तत्व है जिसका प्रकाश है, जिसका वो दिव्य कण लहरा रहे हैं वहाँ से। पराग कण होते हैं, जब आओगे निर्ति समाधि में तो यशोधारा की, तो देखोगे किस तरह वहाँ पराग कणों का विराट भरा हुआ है। तो उसी को कह रहे हैं कि वो सब कुछ वहाँ तुमको उपलब्ध है। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, अमृत भोजन हंसा पावे। वो जो अमृत है, वो जो दिव्य कण है, उसका भोजन जीवात्मा प्राप्त करती है। और शब्द धुनन की खीर, और जो ओंकार की धुन बज रही है, उसकी खीर वहाँ पर तैयार है, और उसको जीवात्मा पान करती है। उस गगन मंडल में चढ़ करके, उस मानसरोवर में जा करके, या उस अंतर आकाश में जाकर, उस जो दिव्य कण की खीर है, उसको आप पान किया जाता है। ये सब अनुभव हैं। और कोई भी पूरा सद्गुरु अगर राजी हो जाए, तो तुमको जो क्षीर सागर की खीर है, उसका स्वाद करा सकता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ मोतियन की झालरी। पहले इस बात को फिर से ज़रा समझ लो कि दधि सुहारी और घृतमेवा खीर भरो है थार। वो दिव्य कण को खीर कह रहे हैं, और अमर श्वेत तहाँ यह शोभे। ये कहाँ पर ये खीर है? जो अमरपुर है,
जो श्वेत रंग का है, श्वेत वर्ण का है, और वहाँ पर ये दिव्य कण की खीर तैयार मिलती है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जहाँ मोतियन की झालरी आ हिरन का प्रकाश। कई कई उपमाएँ दी गई हैं, जैसे मोतियों की लड़ी लगी है, मोतियों की माला या मोतियों का गुलदस्ता सजा हुआ है वहाँ पर, जहाँ मोतियन की झालरी और हिरन का प्रकाश, अनेक अनेक हीरे वहाँ प्रकाशित हो रहे हैं, जगमगा रहे हैं। आ चांद सूर्य की गम नहीं, मगर चांद और सूरज का प्रकाश वहाँ नहीं जा सकता। बाहरी दुनिया को तो चांद और सूरज का प्रकाश उजियार कर सकता है, लेकिन जो भीतर का अमरपुर है वहाँ चांद और सूरज की किरण नहीं पहुँचती। आ दर्शन पावे दास, लेकिन हमारा चैतन्य वहाँ जा सकता है, हमारा चैतन्य भक्त होकर अनुभव करने वहाँ पहुँच सकता है। और देखो अद्भुत उपमा दी गई है कि जहाँ चांद और सूरज भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर तुम अपनी चेतना ले जा सकते हो और उसका दीदार कर सकते हो, उसका पान कर सकते हो। कहते हैं दरिया साहब, ए ही भक्ति तत्सार, कहते हैं कि ये भक्ति का तत्व मैंने तुम्हें बताया है, यही सार तत्व मैंने तुमको बताया है। और ये बड़ी संतों की अद्भुत देन है, वे कहते हैं कि ज्ञान भक्ति का सोपान है। ज्ञान अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि ज्ञान साधन है, भक्ति ही साध्य है। कहते हैं दरिया साहब, खुशुब ओए मंदिल और खुश नर नारी, जिस तन में भी इस अमरपुर का दीदार हो जाता है, जिस तन में भी वह अमरपुर का दर्शन हो जाता है, जो साधक अपने अमरपुर से परिचित हो जाता है, उसका शरीर भी मंदिर हो जाता है। और खुश नर नारी, ऐसे लोग, ऐसे नर और नारी जो अपने भीतर आत्मदर्शन कर सकते हैं, आत्म तत्व को जो जानते हुए जीवन को जीते हैं, वे सदा आनंदित रहते हैं। और सतगुरु खुश सौ बार, और ऐसा शिष्य जिस सदगुरु को मिलता है, वह सदगुरु तो सौ गुना खुश होता है कि चलो कोई तो एक शिष्य अमरपुर पहुंचा। कहते हैं दरिया साहब, सेवा माह कसरना करिए, और एक बार तुमने आत्म तत्व को जान लिया एक बार, और उसी को भक्तों ने प्रभु का चरण कमल कहा है, तो उस चरण कमल की सेवा में अब कमी मत करो। और चरण कमल की सेवा का क्या मतलब हुआ, हमेशा उसकी याद में जीना है, हमेशा उसके स्मरण में जीना है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कौतुक देखा देह बिन अरविशस बिना उजास। वहाँ पर कोई देह नहीं है, वहाँ कोई आकार नहीं है, लेकिन गजब की लीला है। वहाँ कोई चांद नहीं है, कोई सूरज नहीं है, मगर एक उजियाला फैला हुआ है। और साहिब सेवा माही है बेपरवाही दास, और जो गोविंद है वह सुमिरन से प्रसन्न होता है। और फिर वहाँ पहुँचकर, उस अमरपुर में पहुँचकर, उस आत्म दर्शन का, आत्मा का दीदार करके जो भक्त होता है, वो बेपरवाह हो जाता है, मस्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। कहते हैं दरिया साहब, छूट जाए जमजारा, और इस तरह अपने आप को जब आत्मा रूप में जान लेते हो, तो फिर क्या होता है, जम के जाल से, जम के पास से तुम मुक्त हो जाते हो, और हर प्रकार के मृत्यु भय से तुम मुक्त हो जाते हो। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, मीन जाकर समुद्र समानी, जहाँ देखे तहाँ पानी। जैसे मछली समुद्र में चली जाए, अब उसको क्या भय है, उसको पानी सूखने का कोई भय नहीं है। काल कीर का जाल न पहुँचे निर्भय ठौर लुभानी, और गहरे समुद्र में कोई बहेलिया का जाल तो पहुँच नहीं सकता। ऐसे ही जो साधक अपने अमरपुर में प्रवेश कर जाता है, वहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं है, वो अमर हो जाता है, और इस तरह उसको मृत्यु के भय से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जान लेता है कि शरीर तो मरेगा लेकिन मैं नहीं मरूँगा। कहते हैं बिहार के दरिया साहब, धन्य धन्य साहब, धन्य भक्त है, धन्य है दास तुम्हारा। कहते हैं, और साहब जो है, जो गोविंद है, वह भी धन्य हो जाता है कि कोई तो ऐसा निकला जो उसके रस का पान करे। धन्य भक्त है, ऐसा भक्त जो आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, वह भी धन्य है, और धन्य है दास तुम्हारा। कहते हैं, हे गोविंद, तुम्हारे जितने भी दास हैं वे भी धन्य हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जो जन खोजी शब्द का धन्य संत है सो। जो शब्द को खोज लेता है, जो ओंकार को खोज लेता है, कहते हैं कि वह संत धन्य है। और कह कबीर शब्दे गहे कबहू न जाए बिगो, और जो शब्द को ग्रहण कर लेता है वो कभी भी भटकता नहीं है।
कहते हैं दरिया साहब, कहे दरिया दर्शन को फल है और दृष्टि भय उजियार। कहते हैं और प्रभु का दर्शन का परिणाम क्या होता है, फल क्या होता है, उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है, उसकी दृष्टि ज्ञानमय हो जाती है। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, ऐसा कोई शब्द ध्वनि समझे, कोई बिरला ऐसा लेकिन होता है जो शब्द को ओंकार को समझता है, और कटि अघ कर्म होई तव दासा, और सारे पाप कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं, प्रभु का वो भक्त हो जाता है। नयन चाख दर्शन रस पीवे, और भीतर की आँखों से प्रभु का वो दर्शन करता रहता है, ता ही नहीं है जम की त्रासा, और उसे किसी भी प्रकार का यम का भय नहीं सताता। कहते हैं दरिया साहब, कहे दरिया दर्शन को फल है दृष्टि भय उजियार, उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है, आलोकमय हो जाती है, ज्ञानमय हो जाती है। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, गुरु के चरण की रज लेके दो नयन के बीच अंजन दिया। ये गुरु के चरणों का प्रताप है कि तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो जाती है। और तिमिर माही उजियार हुआ, ऐसे तो भीतर आँख बंद करो तो अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन गुरु सदगुरु जब तुम्हें दृष्टि दे देता है, अंतर्दृष्टि देता है, तो फिर तो भीतर एक आलोक फैल जाता है। और निरंकार पिया को देख लिया, और ऐसे जो तुम्हारा प्रीतम है जो निरंकार है, उसका तुम दीदार कर पाते हो। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाम तत्व ओंकार तत्व का भेद जानो, और फिर तुम्हारी दृष्टि भी उजियार हो जाती है और तुम भी मुक्त हो जाते हो। हरिओम तत्सत। मित्रों नमस्कार, ओषोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 9671400196 अथवा 9671400193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना। यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ओशो धारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक त्रिदिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गांव उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशो धारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6-6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम, नाद नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84,00,000 योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे, आइए जानिए ओशो धारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।